कारवां टीवी हर पल आपके साथ। यूक्रेन में था बहुत भयानक मंजर, हर कदम पर दिखती थी मौत। अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं वो मंजर। जिला बरेली के नवाबगंज के यूक्रेन से सही सलामत वापस आए नवाबगंज के छात्रों के सकुशल पहुंचने पर घर में खुशी का माहौल है। यूक्रेन में इस समय छिड़ा हुआ है युद्ध। छात्रों का कहना है कि आज भी सहम जाते हैं जब याद आता है वो मंजर। अभी और भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में। वतन वापस लौटे छात्रों ने फंसे हुए छात्रों के लिए दुआ की। जिला बरेली नवाबगंज के रहने वाले असलम खान और अर्स खान और डॉक्टर शाहीन अनवर के पुत्र जमन भी सकुशल लौटकर अपने घर पहुंचे। परिवार में खुशी का माहौल है जो आज सुबह अपने वतन जिला बरेली नवाबगंज पहुंच गए हैं। जिसके आने से घर में खुशी का माहौल है, लेकिन छात्रों में अभी भी कम है क्योंकि उनके कई छात्र साथी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आए हुए असलम और अर्स के साथ जमन का कहना है, जब तक सभी छात्र वापस नहीं आ जाते हम उनके लिए दुआ करते रहेंगे। तो वहीं जमन के पिता डॉक्टर शाहिद अनवर का कहना है कि जब तक मुल्क के सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते हम खुशियां नहीं मना सकते। मेरे बेटे की तरह मेरे और भी बेटे और बेटियां बुरी तरह से यूक्रेन मुल्क में फंसे हुए हैं, जिनके लिए मैं हमेशा दुआ करता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार और अल्लाह से वो सभी छात्रों को सही सलामत उनके माँ बाप को मिला देंगे। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपका बेटा जमन आज वतन को वापस आया है यूक्रेन से, क्या कहना चाहते हैं? और वो खौफनाक मंजर जो आप टीवी में देखा करते थे, अखबारों के माध्यम से देखा करते थे, कैसा फील करते थे आप उस समय? उस समय मैं तो ये था कि सारे टीवी और चैनल मैंने बंद कर रखे थे और जब भी मैं देखता था मुझे दहशत हो जाती थी और दिल घबराहट हो जाती थी, पसीना आने लगता था और इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी कि मैं लेट जाया करता था। और मैंने ये किया था कि बस एक मसल्ला बिछा लिया था और मैं बराबर अल्लाह ताला से यही दुआ करता था किसी तरह से अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सबको निकलवा ले और यहाँ के जितने नवाबगंज के और जितने बच्चे थे वो सारे बच्चे यहाँ पर खैरियत के साथ आ जाएं। और बड़ी दुआएं मंगवाएं और यहाँ मस्जिद में मैंने दुआ कराई थी और यहाँ जितने भी अपने साथी थे उन सबसे मैं यही कहता था कि दुआ करिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को खैरियत से पहुँचा दें, क्योंकि वहाँ हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था सिर्फ सिवाय दुआ करने के। हमारे लिए एक ही सहारा था कि अल्लाह ताला से हम दुआ करें और बाकी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ पैसा भेज सकते थे लेकिन पैसा इन लोगों को मिलता नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं, इनको ATM इनके चल नहीं रहे थे, खाने के लिए इनके पास कुछ था नहीं, ये सारी परेशानी इनके जो इनसे हम ये तो मोबाइल पे हमारा संपर्क होता रहता था, ये बहुत सुकून की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और मैंने जितनी खुशी अब मुझे मिली है ये ऐसा लगा जैसे मेरी नई जिंदगी हो गई। अब आप क्या चाहते हैं, भारत सरकार से कोई उम्मीद रखना चाहते हैं जो और बच्चे रह गए हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार ने बहुत ही मदद की है, अगर सरकार हमारी इतनी मदद नहीं करती तो शायद ये बच्चे नहीं आते, कभी ज़िंदगी में नहीं आ पाते, क्योंकि मैंने जो टिकट इनका कराया था तो वो टिकट कैंसिल हो चुका था, जैसे ही हमला हुआ तो सारी फ्लाइटें बंद हो गई थी और इनका आने का कोई चांस नहीं था। अगर भारत सरकार नहीं चाहती तो अपनी यहाँ से फ्लाइटें नहीं भेजती तो ये बच्चे किसी हाल में भी नहीं निकल पाते। और अभी जो है मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध है कि जितने बच्चे हमारे रह गए हैं वो सारे उनको ले आया जाए और वो लोग अपने घर पे खैरियत के साथ आ जाएं। जैसी खुशी हमें मिली है जितने माँ बाप हैं उन सबको भी अपने बच्चों को साथ में देख करके खुशी हो। जिस फ्लाइट से आप वापस आए उससे कोई टिकट लगा या? नहीं, उसमें कोई पैसा नहीं लिया गया, फ्लाइट में फ्री ऑफ कास्ट रहा, फ्लाइट में भी इनको खाना वाना नाश्ता अच्छा दिया गया, दिल्ली में आकर के इन लोगों को नाश्ता दिया गया और वहाँ पर इनका वेलकम किया गया बहुत अच्छा, और इंडियन एम्बेसी ने इनको कौन सा बॉर्डर था वो हंगरी बॉर्डर पे इनको वहाँ रिसीव किया था, वहाँ पर इनको नाश्ता वगैरह दिया गया, इनको आराम कराया गया,
फिर उसके बाद एयरपोर्ट ले जा करके इनको बहुत इजी ले जा करके इनका। तो वहीं जमन की अम्मी भी अपने बेटे के साथ सभी बच्चों के सही सलामत वापस लौटने की दुआ कर रही हैं। मैं उन तमाम माँ बाप के दिलों को और उनके दर्द को समझ सकती हूँ। जिस तरीके से मेरा बच्चा फंसा हुआ था, तो हम दिन रात दुआ करते थे। अन्य माँ बाप के बच्चे भी उस मुल्क में फंसे हुए हैं जहाँ पर एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। जब तक सभी बच्चे वापस नहीं आ जाते, हम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। ये बात जमन की अम्मी ने कही। आंटी, जानना चाहेंगे आपका बेटा वतन सकुशल वापस आया है, कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? हम लोग तो और हमारी फैमिली, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान थे उस टाइम जब ये वहाँ पर थे। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली परेशानियों में गुजर रही थी। एक एक पल हम लोगों को बहुत ही भारी लग रहा था। और वहाँ जब हम देखते थे वहाँ के हालात टीवी में या न्यूज़ में, उसमें मोबाइल में, तो बहुत बुरा हाल होता था हम लोगों का। अब ये आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, मैं भी। अब बस ये है, जैसे ये आ गए हैं, हम लोगों से मिल गए हैं, इसी तरह से सारे बच्चे वहाँ से आ जाएं और वो भी अपने माँ बाप से आके मिलें, उनके माँ बाप को भी इसी तरह से खुशी हो। वो भी, मुझे लगता है जैसे हम लोग परेशान थे, ऐसे ही वो भी बहुत परेशान होंगे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कैसा लगता है। अब वो लोग, जैसे हम लोग देखते थे न्यूज़ में, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा नहीं लगता था, डर लगता था। ये लगता था पता नहीं ये लोग कैसे निकलेंगे, निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये निकल आए। बस और बच्चे जो रह गए वो भी आराम से आ जाएं, वो भी अपने माँ बाप से मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं सोच समझ सकती हूँ कि जैसे मुझे लगता था ऐसे ही उन लोगों को भी लगता होगा। तो वो लोगों को भी, उनके बच्चे वापस आके मिले, तो वो भी, उनको भी अच्छा लगेगा। क्या कुछ कहते हैं आए हुए छात्र, जमन से सुनते हैं पूरी दर्द भरी दास्तान उन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल कारवा टीवी के माध्यम से रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जमन है। जमन, जानना चाहेंगे आप यूक्रेन से आए हैं, वो खौफनाक मंजर बयां कीजिए जो आपने जो वहाँ पे देखा था। किस तरह की परिस्थितियाँ थी वहाँ? बहुत ही ख़तरनाक स्थिति थी वहाँ पे। तो एकदम हम लोग को तो अभी लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। अगर इवैक्यूएशन जल्दी स्टार्ट नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल एक उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब हम यहाँ से कभी ज़िंदा वापस अपने घर जा भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन भारत सरकार ने और इंडियन एम्बेसी ने हम लोग की बहुत हेल्प की है। हम लोग को जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया। उन्होंने एंड टाइम पे आके और ज़्यादा प्रोसेस तेज किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे निकल गए वहाँ से। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा कि आपके सामने से कोई मिसाल, कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके आज भी आँखों के सामने नज़र आती हो? मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों के सामने ऐसा हुआ। जब उन्होंने बताया तो हमें भी उतना ही डर लगा जितना उस टाइम उनको लगा था। किस तरह की परेशानी आपके सामने आई? सबसे पहली परेशानी तो हमारे सामने, जैसे ही एयरपोर्ट पे बम गिरा, वहाँ पे बम गिरते ही सबसे पहले तो हमारा फूड क्राइसिस हो गया। फूड क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आया। हम लोग का जो एटीएम कार्ड थे वो बैंक में एटीएम में लगाने गए तो हम लोग के पास पैसे ही नहीं निकले उसमें एटीएम में से। और जो मॉल में हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग का कार्ड नहीं यूज़, मतलब चला ही नहीं वहाँ पे कार्ड। क्या कहना चाहते हैं जो लोग अभी भी, आप तो सकुशल वापस आ गए हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, आपको खुशी है या गम है अभी भी? देखिए, अभी मैं तो आ गया ठीक है, लेकिन अभी जितने मेरे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अभी भी वहीं पर है, तो इसलिए मैं तो अभी बिल्कुल खुशियाँ नहीं मना रहा हूँ। जब वो लोग वापस आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं यहाँ बैठ के आराम से खुशी मनाऊंगा। देखिए, मेरे मम्मी डैडी ने जो, मतलब मैंने महसूस किया, उन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं किया, तो इसलिए वो लोग खुश हैं मैं वापस आ गया। लेकिन अभी भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। बस मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि उन लोग को भी जल्द से जल्द लाने का प्रबंध किया जाए, जैसे मेरा हो गया। आप में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? मैं MBBS कर रहा था, मेरा फोर्थ ईयर है। तो इसके अलावा और क्या जो परेशानी, एकदम कितने दिन पहले आपके सामने परेशानी सामने?
आना शुरू हो गई थी। देखिए वैसे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक कि हमला नहीं हुआ था। हम लोग को लग रहा था 16 तारीख को कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 24 फरवरी को सुबह 5:30 बजे के आसपास हमला होते ही हम लोग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग खाना लेने गए, वहाँ खाना नहीं मिला। एटीएम से पैसा लेने गए, वहाँ पैसा नहीं था। और जब हम लोग ने इवैक्यूएशन स्टार्ट करवाया तब यहाँ पे हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करते करते 18 घंटे लग गए। 18 से 50 घंटे के यहाँ 50 घंटे में मैं यहाँ पे अपने दिल्ली आ पाया हूँ। अच्छा, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप वहाँ पे फंसे हुए थे, क्या आपने ऐसा मोड़ देखा कि आप भूखे रहे हों, प्यासे रहे हों? हाँ जी, जब हमारा कार्ड नहीं चला था तो उस वक्त मेरे पास खाने पीने का ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम हम लोग काफ़ी देर भूखे रहे, लेकिन फिर हमारे थोड़ी बहुत फ्रेंड से लेकर ऐसे हेल्प हुई है, तब जाके हमने कुछ बनाया वहाँ खाने में। तो आप भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारत सरकार से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे यूनिवर्सिटी के सभी मेरे दोस्तों को निकलवाया। बस आपसे गुजारिश है कि जो लोग वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं उन लोग को भी जल्दी से जल्दी निकलवाएं। क्या आप मानते हैं भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की थी वो समय से की या लेट की? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने की थोड़ा लेट हो गए, लेकिन उसी टाइम उन्होंने एक्शन लिया और हाथों हाथ हम सब लोग को 3-4 दिन में वापस निकलवा दिया। नहीं, इतना भी कुछ लेट नहीं हुई थी, कुछ पहले हो सकती थी, थोड़ी सी अगर पहले होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे जो फंसे हुए थे वो आ जाते। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।